माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को आपके अपने चैनल बीके सर ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं आप सभी के बीच ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी, मैं ज्ञान बिंदु का जीएस एकेडमी सेट करवा रहा हूं, जो कि आपका संघ लोक सेवा आयोग संघ राज्य लोक सेवा कर्मचारी चयन आयोग रेलवे भर्ती बोर्ड जीएस आधारित सभी परीक्षाओं हेतु उपयोगी है क्वेश्चन। ठीक है, डेली टेस्ट कराई जाती है। चलिए मैं आपका साइंस का क्वेश्चन करा रहा हूँ, साइंस सब्जेक्ट का आपके सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, नोवाल्टा या दंश कोशिका उपस्थिति नोवाल्टा या दंश कोशिका की उपस्थिति किस संघ के जीवों का मुख्य लक्षण है? देखिए, नाइडोब्लास्टा या दंश कोशिका की उपस्थिति किस संघ के जीवों का मुख्य लक्षण है? ये हो जाएगा आपको स्लीटरेटा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन स्लीटरेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांच बनाने वाले भट्टी में किस गैस का निष्कासन होता है? कांच बनाने के भट्टी में किस गैस का निष्कासन होता है? ये आपका हो जाएगा कौन सा गैस? ये आपका हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों विचार के श्रेणी क्रम समूहन से संतुलन प्रतिरोध का मान प्रत्येक प्रतिरोध के मान से अधिक होता है, समांतर क्रम समूह में प्रतिरोध का मान प्रत्येक प्रतिरोध के मान से कम होता है। देखिए, इसका राइट ऑप्शन देखिए क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और ऑप्शन सी। श्रेणी समांतर संतुलन प्रतिरोध का मान प्रत्येक मान से अधिक होता है, दूसरा समांतर क्रम दोनों ए और ऑप्शन सी एक और दो दोनों हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पौधों में फल तथा बीजों का कठोर आवरण किस ऊतक से बनता है? ये बन जाएगा आपका कौन सा? एस्केलेनकाइमा। आंसर आपका हो जाएगा कौन सा? इसका आंसर आ जाएगा एस्केलेनकाइमा। ऑप्शन सी हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सीमेंट उत्पादन में कच्चे पदार्थ के रूप में इस्तेमाल होने वाला चूना पत्थर तथा चिकनी मिट्टी किस अनुपात में लिया जाता है? सीमेंट उत्पादन में कच्चे पदार्थ के रूप में इस्तेमाल होने वाला चूना पत्थर तथा चिकनी मिट्टी किस अनुपात में लिया जाता है? यह चिकनी मिट्टी आपका हो जाएगा ऑप्शन आपका ए करेक्ट, 3.1। कितना हो जाएगा? 3.1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर लेंस कितनी दूरी पर वस्तु को रखा जाए कि लेंस द्वारा वस्तु 10 सेंटीमीटर दूरी प्रतिबिंब बनाए? किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर लेंस से कितनी दूरी पर वस्तु को रखा जाए कि लेंस द्वारा वस्तु का 10 सेंटीमीटर दूरी प्रतिबिंब बने? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका डी आ जाएगा, जो कि आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि ऑप्शन 30 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्वस्थ महिला के पूरे जीवन काल में उत्पन्न कुल अंडों की संख्या कितनी है? तो देखिए, ये कितना हो जाएगा इसका? इसका राइट आंसर हो जाएगा 400। कितना हो जाएगा? 400, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेमेटाइट एस से लोहा प्राप्त करने हेतु चूना पत्थर का उपयोग किस रूप में किया जाता है? हेमेटाइट एस से लोहा प्राप्त करने के लिए चूना पत्थर का उपयोग CaCO3 का उपयोग किस रूप में किया जाता है? देखिए, CaCO3 का उपयोग अब बताएं कि इसमें क्या जाता है, ये हो जाएगा द्रवण। ऑप्शन आपका ए कंप्लीट हो जाएगा, फ्लक्स। ऑप्शन आपका ए कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है, 5 kg द्रव्यमान का वस्तु 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रहा, उस पर कोई बल आरोपित किया गया जिससे वो 25 सेकंड में 35 मीटर पर सेकंड के वेग प्राप्त किया, जिससे वस्तु पर आरोपित बल का मान क्या हो जाएगा? तो वस्तु पर आरोपित बल का मान हो जाएगा आपका 5N। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा, आपका आ जाएगा, कितना हो जाएगा आपका? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित मानव हार्मोन के जोड़े में कौन सा एक एंटागोनिस्टिक हार्मोन गोनेस्टिक हार्मोन है? तो देखिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका
बी करेक्ट हो जाएगा, इंसुलिन ग्लूकागोन, इंसुलिन ग्लूकागोन ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में किसके रवा जल उपस्थित नहीं, किसमें रवा जल उपस्थित नहीं है, तो नीला जल रवा उपस्थित है आपका किसमें, बैंकिंग सोडा, कौन सा हो जाएगा बैंकिंग सोडा, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा ऑप्शन बैंकिंग सोडा, ऑप्शन डी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सीधे ऊपर फेंका गया गेंद फेंकने के हाथ में 6 सेकेंड के बाद लौट आता है, पत्थर द्वारा प्राप्त की गई महत्तम ऊंचाई कितनी होती है, सीधे ऊपर फेंका गया गेंद फेंकने पर 6 सेकंड में, तो ये देखिए ये तो सवाल आपको सॉल्व करना है, इसे हम आंसर इसका बता देते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 45 मीटर, क्या हो जाएगा 45 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जीवों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित जीव मानव है, पक्षी है, सांप है, मेंढक है, मछली है, इसमें आपको विचार करना है, देखिए आपका 1, 3, 4 हो जाएगा, मानव हो जाएगा, पक्षी हो जाएगा, उसके बाद मछली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सेम ये देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो लेकिन निम्नलिखित 13 का आंसर देखिए फिर थोड़ा सा मिस्टेक लगता हो गया, निम्नलिखित जीवों पर विचार कीजिए, इसका आंसर हो जाएगा बी, ए हो जाएगा पक्षी और मछली, पक्षी और मछली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, इसका आंसर हो जाएगा न तो एक न तो दो, न एक होगा न दो, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। एक ध्वनि तरंग का तरंग दैर्ध्य 0.6 मीटर है, उसकी आवृत्ति 512 हर्ट्ज है, इस ध्वनि तरंगों का चाल कितना होगा, इस ध्वनि तरंगों का चाल जो होगा आपका कितना हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा, 307.2 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बरगद के पेड़ के तना से लटकी मोटी जड़ों को क्या कहते हैं, बरगद के पेड़ के तना से लटकी मोटी जड़ों को क्या कहते हैं, ये हो जाएगा आपका आंसर, क्या हो जाएगा इसका, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी करेक्ट है, स्थूल मूल कहते हैं, ऑप्शन आपका बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, रासायनिक समीकरण CuSO4+Fe=FeSO4+Cu के अवकारक की भूमिका क्या है, इसका अवकारक की भूमिका हो जाएगा आपका आंसर क्या हो जाएगा, एफ ही, ऑप्शन आपका डी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विद्युत परिपथ में ओम प्रतिरोधक 2M प्रतिरोधक द्वारा उपयोग की जाने वाली शक्ति होगी, निम्नलिखित विद्युत परिपथ में ओम 2M प्रतिरोधक वाले उपभोग की जाने वाली शक्ति क्या होगी, तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर होगा ये हो जाएगा आपका 8 वाट, ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी बीमारी जीवाणुजनक नहीं है, कौन सी जो बीमारी जीवाणुजनक नहीं है, आपका ऑप्शन हो जाएगा इन्फ्लुएंजा, ऑप्शन आपका बी करेक्ट, ऑप्शन कौन सा बीमारी इन्फ्लुएंजा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा एक सही नहीं है, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, पुरुषों की आवाज़ की आवृत्ति महिलाओं की आवाज़ से ज़्यादा होता है, पुरुषों की आवाज़ की आवृत्ति महिलाओं की आवाज़ की ज़्यादा होता है, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भिन्न भिन्न व्यास के तांबे के दो बोले को भट्टी से बाहर निकालकर सामान्य परिस्थिति के अधीन ठंडा होने दिया जाता है, इस संबंध निम्न में कौन सा एक सही है, भिन्न भिन्न व्यास के तांबे के दो बोलों को भट्टी से बाहर निकालकर सामान्य परिस्थिति के अधीन ठंडा होने दिया जाता है, इस संबंध में कौन सा एक सही नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी, बड़े गोले जल्दी ठंडा होगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव भ्रूण की हत्या कब क्रियाशील हो जाता है, मानव भ्रूण के हृदय कब क्रियाशील हो जाता है, तो मानव भ्रूण का हृदय कब क्रियाशील हो जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका डी, ऑप्शन हो जाएगा डी 6th सप्ताह में। बायोचिप में क्या होता है, तो बायोचिप में आपका होता है आरएनए और डीएनए तथा प्रोटीन, आरएनए तथा डीएनए प्रोटीन, नेक्स्ट आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, एनटीपी पर 16 ग्राम ओ2 गैस का आयनता कितना होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा, तो इसका देखिए क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 11.2 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निमोकोनोसिस विकास का संबंध किससे है, ये हो जाएगा आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन आपका डी, तो डी आपका करेक्ट हो जाएगा, कोयला उद्योग के कर्मचारी, ऑप्शन आपका डी, सुपोषण की स्थिति में जल का
जल का बोर्ड का मान कितना होता है, बोर्ड का मान कितना होता है, तो सुपोषण कृषि में जल का बोर्ड का मान होता है बढ़ जाता है, क्या होता है इसका, बढ़ जाता है, ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा रोग किस विटामिन की कमी से नहीं होता है, कौन सा रोग किसी विटामिन की कमी से नहीं होता है, ये हो जाएगा आपका आंसर, आपका हो जाएगा मेरे स्मस, ऑप्शन आपका ये करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में सबसे अधिक होने वाला कैंसर कौन सा है, मनुष्य में सबसे अधिक होने वाला कैंसर है कौन सा हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन हो जाएगा कार्सिनोमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आणविक जीव विज्ञान के सेंट्रल डेगमा के अंतर्गत आता, आणविक जीव विज्ञान के सेंट्रल डेगमा के अंतर्गत आता है, डेगमा के अंतर्गत हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा डी, डीएनए आरएनए प्रोटीन, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्लाइडेन और स्वान के कोशिका सिद्धांत के अनुसार कौन सा कथन असत्य है, स्लाइडेन और स्वान के कोशिका सिद्धांत के अनुसार कौन सा कथन असत्य है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। सभी जीव एक से अधिक कोशिका के बने होते हैं, सभी जीव एक से अधिक कोशिका के बने होते हैं। अगला क्वेश्चन है, माइटोसिस में सबसे कम समय में पूर्ण होने वाली अवस्था क्या है, माइटोसिस में सबसे कम समय में पूर्ण होने वाली अवस्था है, आपका आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन आपका एनाफेज, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कौन सा कार्बोहाइड्रेट टोलसेट अभिकर्मक के साथ रजत दर्पण देता है, कौन सा कार्बोहाइड्रेट टोलनेस अभिकर्मक के साथ रजत दर्पण देता है, ये हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा कौन सा, ग्लूकोज, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किसी वस्तु पर समरूप बल आरोपित करने पर कौन सी भौतिक राशि स्थिति होती, किसी वस्तु पर समरूप बल आरोपित करने पर कौन सी भौतिक राशि स्थिति स्थित होगी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका डी, त्वरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो निम्नलिखित कथनों पर विचार, कार्बोहाइड्रेट की तुलना वसा का मात्रा कम ऊर्जा प्रदान करता, प्रोटीन शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक है, विटामिन शरीर के रोगों से रक्षा करते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा देखिए ऑप्शन आपका डी, ये हो जाएगा 2 और 3, प्रोटीन शरीर के वृद्धि के लिए आवश्यक है और उसके बाद है विटामिन शरीर के रोगों की रक्षा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्यक्ति किसी वस्तु को देख सकता है, व्यक्ति जो किसी वस्तु को देख सकता है, तो व्यक्ति जो है किसी वस्तु को देख सकता है, कैसे देख सकता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि आंसर हो जाएगा आँख तथा प्रकाश दोनों की सहायता, आँख तथा प्रकाश दोनों की सहायता, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के आहार नाल में स्थित अंगों का सही क्रम कौन सा है, मनुष्य के आहार नाल में स्थित अंगों का सही क्रम कौन सा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका ये, मुख गुहा ग्रसनली ग्रासनली अमाशय छोटी आंत, मुख गुहा ग्रसनली ग्रासनली अमाशय और छोटी आंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विभिन्न रासायनिक समीकरण के उत्पाद में है CuO+H2O CaOH2 का होल टू, देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा, CaOH2 का होल टू। जब एक उपग्रह वित्तीय पथ पर चक्कर पूरा करता है तब उसका विस्थापन क्या होगा, जब एक उपग्रह वित्तीय पथ पर एक चक्कर पूरा कराता है तो उसका विस्थापन क्या होगा, तो उसका विस्थापन हो जाएगा क्या हो जाएगा इसका आंसर, इनमें से कोई नहीं, आंसर आपका डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, एक कोशीय जीव में श्वसन गैस का आदान प्रदान मिश्रण के माध्यम से संपन्न होता है, कीटों के श्वसन श्वसननली ट्रैकिया के माध्यम से संपन्न होते हैं, जलीय श्वसन हेतु गिल्स विलोम का होना आवश्यक अनिवार्य नहीं है, इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, एक और तीन हो जाएगा आंसर, तो एक और तीन में क्या है, एक कोशीय जीव के श्वसन गैसों का आदान प्रदान मिश्रण के माध्यम होता है, जलीय श्वसन हेतु गिल्स विलोम का अनिवार्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडा एस का रासायनिक सूत्र क्या है, सोडा एस का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा, तो सोडा एस का रासायनिक सूत्र देखिए क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा Na2CO3, ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में कौन सा कथन सही है, न्यूटन का प्रथम कथन सही है, देखिए ऑप्शन आपका हो जाएगा इनमें से सही, न्यूटन का प्रथम गति नियम से यह जानकारी मिलता है कि असंतुलित बल वस्तु के वेग को परिवर्तित कर सकता है, न्यूटन के गति नियम से यह जानकारी मिलता है कि वस्तु के त्वरण उत्पन्न करने तो बल लगाया जाता है, न्यूटन के द्वितीय गति नियम वस्तु पर लगने वाले बलों के आपस का संबंध बनता है, इनमें से सभी, ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विभिन्न प्रकार के खनिज लवणों के परिवहन पौधों में किस ऊतक के द्वारा होता है, विभिन्न प्रकार के खनिज लवणों के परिवहन पौधों से किस ऊतक के द्वारा होता है, तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा,
इसका आंसर देखिए क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा जाइलम, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। कौन सा है? जाइलम। अधातुओं के में धातुओं की तरह कोई विशेष चमक नहीं होती, परंतु निम्न में किस अधातु के समान चमक पाई जाती है? अधातु में धातु की तरह कोई विशेष चमक नहीं होती, परंतु निम्न में किस अधातु से धातु के समान चमक पाई जाती है? इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन आपका हो जाएगा डी, ए और बी दोनों, ग्रेफाइट और आयोडीन। ग्रेफाइट और आयोडीन ऑप्शन इस क्वेश्चन को रहने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार करना। निम्न कथन पर विचार करना, देखिए ऑप्शन आपका 45 नंबर आ गया। इसका आंसर हो जाएगा न तो एक होगा न ही दो होगा, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। न एक न दो, एक लेंगे, इसको पढ़ लेंगे आप अच्छे से। इसका आंसर न एक तो एक न तो दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन जंतु इकना इकाइडो मेट फाइमल के फाइलम के लिए नहीं है? तो कौन सा है? ये हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा ऑक्टोपस, ऑक्टोप ऑप्शन आपका बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपीड़ता का गुण पदार्थ के किस अवस्था में पाया, संपीड़ता का गुण पदार्थ किस अवस्था में पाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा गैस। कौन सा हो जाएगा? गैस आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में परिवहन एवं ताप नियंत्रण का कार्य मुख्य रूप से किसके द्वारा किया जाता है? मानव शरीर में परिवहन एवं ताप नियंत्रण का कार्य मुख्य रूप से किसके द्वारा किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कार्य हेतु अवतल दर्पण का उपयोग नहीं किया, किस कार्य हेतु अवतल दर्पण का उपयोग नहीं किया जाता है? ये हो जाएगा आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, मोटर गाड़ी बसों के साइड मिरर के रूप में होता है, मोटर गाड़ी बसों के साइड मिरर के रूप में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपका मैथ क्वेश्चन है आपका, देखिए ये आपका कल क्वेश्चन क्वेश्चन, 320 ग्राम ऑक्सीजन गैस O2 मानक ताप कितना लीटर का बराबर होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, 324 लीटर, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। और नीचे देखिए आपका आंसर भी दिया हुआ है, तो आप फिर बढ़िया से मिला सकते हैं। ये आपका 23/5/2023 का सेट है। यदि आप लोग को इसी तरह 50 का सेट चाहिए तो आप लोग कमेंट करेंगे कि सर हम लोग को हमको सेट इस तरह का सेट आप डालते रहे देते रहिए, तो आप लोग के लिए मैं ज़रूर मेहनत करूँगा। तो आप लोग से थोड़ी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चैनल को जितना हो सके शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करें। कमेंट के माध्यम से पता चलेगा, तब तो पता चलेगा कि आप इसमें आप लोग इच्छुक हैं इस वीडियो को देखने में। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।